अब बात पुलिस वाले के गुंडागर्दी की। जनरल स्टोर के कर्मचारी को पीटा है और वर्दी का रौब दिखाया है। वर्दी का रौब दिखाकर कर्मचारी को पुलिस वाला पीटता हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारी को दुकान के अंदर घुसकर जो पुलिस वाला है वो पीटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप अभी सिविल ड्रेस में देख रहे हैं इन्हें, लेकिन यह है पुलिस वाले ने पहले तो बहसबाजी की और बहसबाजी के बाद सीधे कूद पड़ा काउंटर के ऊपर और फिर यहां पर मारपीट करने लगा। मुरैना में अस्पताल में महिला से छेड़छाड़ की गई है। वार्ड बॉय पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इंजेक्शन लगाने के बहाने ही महिला से छेड़छाड़ की, किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिटी डिस्पेंसरी की यह घटना है। आरोपी वार्ड बॉय की तलाश में पुलिस जुट गई है। इंदौर में चाकू मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। शराब पीने के विवाद में यह हत्या की गई। युवक सुरेंद्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। एरोड्रम थाना इलाके में यह वारदात हुई है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या था पूरा विवाद और हत्या तक कैसे पहुंचा ये विवाद? देखिए, अभी तक जो पुलिस के पास जानकारी सामने आई है कि जो सुरेंद्र है ये राजवाड़ा पे कपड़े की दुकान लगाया करते थे। वहां से जब ये देर रात अपने घर पहुंचे, उसके कुछ दोस्त वगैरह आए थे, वो दोस्त अपने साथ लेकर गए पार्टी के लिए और देर रात एक ये कहीं सुनसान जगह बैठकर पार्टी कर रहे थे और पार्टी करने के दौरान शराब पीने के दौरान पर इनका आपस में विवाद होता है। जो उस वक्त वहां पे लोग मौजूद थे जिनके साथ पार्टी चल रही थी, उसमें से कुछ युवकों द्वारा विवाद के दौरान चाकू से हमला कर दिया गया और चाकू जो है सीधा पेट में लगा, गंभीर जगह पे वो चाकू लगा हुआ था, जिसके बाद उसे अस्पताल लेके पहुंचे जहां तब तक अधिक खून बहने से मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या केस दर्ज कर लिया और इंदौर में लगातार हत्या का दौर जो है जारी है। तो 12 मतदान के ठीक एक दिन पहले आजानगर थाना क्षेत्र में हत्या हुई। अभी फिलहाल उस मामले में जमकर हंगामा भी होता दिख रहा है। परिवार के लोगों ने घर के बाहर लिख दिया कि हम खौफ में हैं, हम इस मकान को बेचे जाना है। गुंडों ने जीना मुश्किल कर दिया है। इंदौर में इतना ग्राफ क्यों बढ़ा हुआ है, बदमाशी का, हत्या का, चोरी का, डकैती का, बावजूद जब पुलिस गश्त करती है? देखिए, इंदौर के जो कुछ ग्राफ है उसको कुछ इस तरीके से समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी चूक भी सामने आ रही है। क्योंकि अगर हत्या के पहले की अगर कुछ एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 तारीख के दिन, जिस दिन परदेसीपुरा में मतदान के दिन जमकर बवाल हुआ, कांग्रेस नेता बब्बू यादव के घर पर कुछ अपराधियों द्वारा हमला कर दिया जाता है, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से पार्षद राजू भदौरिया एक कमरे के अंदर मौजूद थे और सुरेश जाट और तमाम जो बड़े अपराधी हैं उस क्षेत्र के, वो चाकू लेकर उन्हें धमकाते रहे। ये वो बदमाश है, शायद इनके ऊपर बॉन्ड ओवर कार्रवाई करनी थी, इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजना था चुनाव के वक्त में, लेकिन ये अपराधी खुलेआम घूम रहे थे। एक एक बदमाश के ऊपर 15 से ज्यादा अपराध के मामले दर्ज हैं। यही पुलिस की बड़ी चूक है कि ये जो बदमाश है आज वो बदमाश जेल के सलाखों के पीछे नहीं है, बड़ी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। और ये जो लिस्टेड बदमाश है, ये अगर अपराध इस वक्त देखा जाए तो कुख्यात और लिस्टेड बदमाश खुलेआम कर रहे हैं। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों की जो सूची है उनके खिलाफ बॉन्ड ओवर किया जिन धाराओं में या जिनके जो फरार चल रहे, चल से चल उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजना चाहिए और लगातार पुलिस को बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि इंदौर के जो अपराधी हैं लगातार पुलिस कमिश्नर को चुनौती दे रहे हैं। अपराध का ग्राफ पिछले 6-8 महीने के बाद की दर बहुत तेजी से बढ़ा है। चैन स्नेचिंग, लूट, हत्या, तमाम गुंडागर्दी, ये जो केसेस हैं या इस प्रकार के जो संगीन अपराध हैं वो इंदौर से ज्यादातर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर में इस वक्त अपराध जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अपराध बढ़ने के बाद लोग इसे अब क्राइम कैपिटल भी कहने लगे हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। आए दिन यहाँ पर बड़ी वारदात हो रही है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए।